we had our first next session in Vishakhapatnam today. What do you make of the session? Personally, I've done my preparation well. Whatever I need to do before the match, I've done it really well. But I can see the boys really enjoying the practice session because it can be a last practice session because there's no gap between the matches now after this. So we are in good frame of mind, I guess. And we are up against SRH tomorrow, which is a tough team to beat. So what are your thoughts on the opposition? How do you plan to counter them? See, as a team, we are not focusing on the other team, but the other team is whom we are playing. We are focusing on our strength, and that's what we have done throughout the tournament. So how is the preparation for tomorrow? Preparation was very good. काफी hard work किया हमने आते हैं कल पूरा किया कल पूरा हम खत भी गए थे सब लोग तो rest करने के बाद यहाँ पे आज हमने शाम को practice करना start किया. Wickets looked good. हमने अपना पूरा effort किया है जैसे bowling जिसने करना था उसको पूरा जाके ball डाला है और specially fielding किया है यहाँ पे आके और अच्छा लग रहा है पूरा टीम को बहुत पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और कोशिश यही रहेगी कि कल मैच में अच्छा करें और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभी भी सब लोग फ्रेश दिख रहे थे इतना प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा हिम्मत है यहाँ पर बट उसके बाद भी सब लोग बहुत फ्रेश दिख रहे थे प्रैक्टिस करने के बाद और कोशिश यही रहेगी कि कल के मैच में जीतें और अगले सेकंड में पल रहेगा. आपके ग्राउंड पे आपका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है. यू आर वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स दैट यू रिकॉर्डेड वर्क हियर. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ग्राउंड एंड द बेंच? नहीं, ग्राउंड तो वाकई बहुत अच्छा है. विकेट थोड़ा सा बैटिंग के लिए अच्छा होती है हमेशा जो मैंने देखा है बट यू हैव टू बी स्पिन द बॉल एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू बॉल. तो कल देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है क्या टीम 11 है उनका उसके हिसाब से टीम मीटिंग में बात करके फिर यू प्लान. और SRH इज अ टफ टीम टू बी ऑन दैट डे सो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर देयर बैटिंग? मेरा प्लान तो बहुत सिंपल है हमेशा ही रहता है कि आई जस्ट गो फॉर अ विकेट एंड वी जस्ट लाइक मैंने पहले भी बोला कि जो भी सिचुएशन होगा मैच का उसके हिसाब से बॉलिंग डालने की कोशिश करूँगा लेकिन उसमें भी कोशिश यही रहेगी कि विकेट जितने ज़्यादा से ज़्यादा निकाल और जितनी निकाल पाऊँ जितनी जल्दी से जल्दी निकाल पाऊँ वो ज़्यादा रहेगा.